चंचलता को देखकर तो मेरा इसे स्नेह करने का मन होता है। कृपया करके आप इसे पकड़ कर लाइए। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। आए प्रभु, मेरे को तो ये कोई माया मोह का प्रबोलन करता है। नहीं स्वामी, देवर जी गलत कह रहे हैं और ये मृग काफी ही मृदुल और चंचल है। आप इसे अवश्य ही लाइए। सीता तेरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण, इस जंगल में भयानक राक्षस रहते हैं। तुम अपनी बुद्धि और विवेक से विचार करके सीता की रखवाली करना, मैं इनकी इच्छा को पूरी करता हूँ। बचाने के लिए जाइए। जाव संकट भ्राता, लक्ष्मण भी हंस कहा सुन माता। प्रकृति विलास श्रेष्ठ। आए माता, आप बिना कारण ही इतना संकोच कर रही हैं। भगवान तो स्वप्न में भी कोई संकट में नहीं पड़ सकते। क्या आप अपने मरण में बचाना चाहो? आप अभी शीघ्र जाइए और अपने बड़े भ्राता को बचा कर लाइए। अरे माता, जिनकी बहुत इशारे के मात्र से सारी सृष्टि प्रलयवान हो जाती है, माता वो भगवान कभी संकट में पड़ ही नहीं सकते। तुम्हारा भ्राता धर्म यहीं तक रहा। वाणी देवी सौंप सब का। अरे माता, तीनों देवों के देव जिनको कोई जीत नहीं सकता, वो क्या कोई संकट में पड़ सकते हैं? आप तो बिना कारण ही इतनी व्यथित हो रही है। आप चाहे इसे मेरी आज्ञा माने या फिर मेरा विनय, पर आप अपने बड़े भ्राता को बचाने अवश्य जाएंगे। माता, आप मत करिए। आप जाइए। कहिए, जिसको पार करके आप उस साइड मत जाइए। रक्षा करना, मैं उनको आपके सपुर्द करके जा रहा हूँ।